नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोच और आज हम बात करेंगे कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। आजकल ये शब्द आपने कई जगहों पर सुन लिया, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन क्या होता है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन का हिंदी में सिर्फ इतना मतलब समझ लो, कम खाना। कैलोरिक मतलब कैलोरी, रिस्ट्रिक्शन मतलब किस चीज़ पर रोक लगाना, तो कैलोरीज पर रोक लगाना, जो तुम कैलोरीज खा रहे हो उस पर रोक लगाना, तो कम खाना। इसमें साथ में एक चीज़ और है, कम खाना पर तुम्हारे शरीर की जो भी पोषण की ज़रूरत है उसको भी पूरा करना साथ में, मतलब शरीर की पोषण की ज़रूरतों को पूरा करते हुए कम खाना, कम भी खा रहे हो और शरीर की ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हो। पर आमतौर पर लोग इसे इस तरीके से, काफ़ी बार लोग इसे इसी तरीके से काम ले लेते हैं, ये कम खाना, कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन मतलब कम खाना। अच्छा, अगर कम खाना तो किससे कम खाना, मतलब किससे कम खाना, या तो तुम पहले जितना खा रहे थे उससे कम खाना। मान लो अभी कोई आदमी हो, दवा दबा के खाता है तो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करता है, तो वो जितना दवा दबा के खाता था वो उतना दवा दबा के नहीं खाता, वो थोड़ा कम खा रहा है उससे, या फिर जितना तुम खा सकते हो उससे कम खाना। जैसे कि भूख से कम खाना, मैं अगर चार फलके खा सकता हूँ, चार रोटी खा सकता हूँ, तो मैं चार फलकों से की जगह मैं तीन फलके खाऊँ, साढ़े तीन फलके खाऊँ, तो भी मैंने अपनी कैलोरीज रोकी, तो ये भी कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन है। मतलब जितना तुम खा सकते हो कैसे पता चले, या तो तुम्हारी जितनी भूख है, या फिर तुम्हारे जैसे कद काठ का, तुम्हारे जैसे लगभग बराबरी के शरीर का आदमी जितना खा सकता है उससे तुम कम खा रहे हो, इस तरीके से। तो ले दे करके कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन का सीधा सीधा मतलब ये कम खाना, और साथ में शरीर की जो भी पोषण की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर लेना, साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से। तो इसमें मैं सिर्फ शब्द का मतलब बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग शब्द देख कर ही डर जाते हैं, अरे ये क्या शब्द है, क्या मतलब है इसका। तो मैं इसका मतलब बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।